देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आपको मुख्य खबर दिखा रहे हैं दरभंगा की। दरभंगा में एक चिकित्सक के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी। अहले सुबह से ही 7 बजे आयकर विभाग की टीम अलग अलग हिस्सों में चिकित्सक के यहाँ पहुंची, जिनके कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। IBS स्मृति चिकित्सक संस्थान, दिग्घी और फिर सोनकी इत्यादि में भी, जहाँ उनका 3 प्रतिष्ठान यहाँ है, अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल गोपनीय तरीके से आयकर विभाग के जो टीम थी वो पहुंची और उसने जांच करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो वहाँ कर्मी थे उनके मोबाइल को लिया और मोबाइल में अदला बदली ना हो सभी का नाम चिपका दिया, अंदर से बाहर कोई खबर ना जा पाए और बाहर से कोई अंदर सिवाय मरीज के परिजन या आकस्मिक मरीज जो आने वाले थे उनको छोड़कर इस तरह से मोबाइल पर चिपकाया गया नंबर और सभी का मोबाइल रख लिया गया। और उसके बाद आयकर विभाग की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की। क्या अनियमितता है इस बारे में तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी छापेमारी आयकर विभाग की। समझा जाता है कि हर बार मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष से पहले, जहां आयकर अदा करने की तारीख, अंततः जो ऑडिट है अक्टूबर के बाद है, उसके बाद आयकर विभाग की टीम गोपनीय तरीके से समीक्षा करती है कि इस प्रतिष्ठान में कहीं ना कहीं हेरा फेरी है और उसी निशानदेही पर, आकलन पर टीम धावा बोलती है। पिछले साल भी एक बड़े चिकित्सक के यहाँ छापेमारी की गई थी और इस बार डॉक्टर मृदुल शुक्ला, जो एक प्रतिष्ठित चिकित्सक के साथ साथ व्यापारी भी हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, रक्तदान शिविर इत्यादि से भी जुड़े हैं, उनके प्रतिष्ठान पर छापेमारी। लेकिन क्या नियमितता है या नहीं है इस बारे में कोई भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। जितनी मुंह उतनी बातें, छन छन करके जो खबरें आ रही है। बहरहाल छापेमारी छापेमारी होती है और वह हुई अहले सुबह 7 बजे तक, जो लगातार दोपहर तक जारी रहा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नव निर्वाचित डिप्टी मेयर उप महापौर नाजिया हसन पर बुधवार की रात उनके आवास के बाहर देर रात जानलेवा हमला किया गया और आनन फानन में जैसे ही सूचना मिली, उनके जो चाहने वाले थे, पड़ोसी थे, वे दौड़े। उप महापौर नाजिया हसन के मुताबिक वह देर रात लगभग 10 बजे के आसपास घर आई थी और कचरा का डब्बा फेंकने वह बाहर गई थी, जहाँ से लौट रही थी। उसके बाद दो युवा जो नशे की हालत में लग रहे थे, उनकी गर्दन दबाने की कोशिश की और इन पर हमला किया। वह घबरा गई और घर तक आई, तब तक वे असामाजिक तत्व भाग चुके थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अपने अपने तरीके से पता लगा रही है, CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। शोरगुल होने पर अपराधी जिधर भागे, उधर के कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। वरीय पदाधिकारी तक सूचना मिली है। दरभंगा में नशेड़ियों का तांडव लगातार आए दिन शिकायत मिलती रहती है और उसकी शिकार बनी नव निर्वाचित उप महापौर नाजिया हसन। हालांकि नाजिया हसन ने मीडिया से बात करते हुए गुरुवार को कही कि जान मारने की नीयत नहीं लग रही थी इनकी,
लेकिन ये नशेड़ी है और नशा के विरुद्ध वो आवाज उठाती रही है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे मदद मिल रही है, लोगों का सहयोग मिला है इस मुद्दे पर, सभी बेटियों को भी मिले यह अपेक्षा है। दरभंगा नशा मुक्त हो यह मुहिम वह चला रही थी और यह जारी रहेगा। नाजिया हसन का घर ललित नारायण मिश्रा पथ में दुमदुमा के पास है, जहां देर रात यह घटना घटी और घटना की सूचना मिलने के बाद काफी लोग उनका हकीकत उनकी सूध लेने उनके आवास पर पहुंचे। घटना क्या घटी है, वो अपने घर ही आ रही थी। घर आने के बाद जो अपने घर में गई, देखी कचरा का डब्बा पड़ा हुआ है, तो वो कचरा फेंकने के बाहर निकली तो कई बार दो तीन जगह जो है उस पर अल्टीमेटम लोग दे रहे थे कि बहुत उड़ती इस तरह का बात, तो मजाकिया ले लेते थे कि दूध कोई खड़ा होगा। लेकिन आज की घटना ये है कि घर जब निकली है, दो लड़का बाजू में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, उस समय कोई नशीली वगैरह होगा, वो जब कचरा फेंक के जब अंदर आए तो पीछे से गमछा पकड़ करके इस तरह से जो है, इस तरह से एक लड़का ने गमछा को इस तरह से दबाया और एक लड़का ने पीछे से हाथ को इस तरह बांधने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है। ये आए तो पता चला कि माननीय उप महापौर महोदया को वो घर से निकली किसी काम के लिए, तो कोई दो तीन लड़के उनका गला दबाने का प्रयास किया, जो काफ़ी दुखद है। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को चुनावी रंजिश हो, एक समय के लिए होना चाहिए, चुनाव ख़त्म, सारी मसला और सारी सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अब वो लगातार उनका कहना भी है, दो तीन जगह वो हमारे साथ जो है गलत भी है, कान में भी लगा, दो तीन पोड़ा में बोल रहा था कुछ उनको अल्टीमेटम लगातार कुछ बोल रहा था, गलत कमेंट टाइप का। तो इस सब चीज़ से बहुत काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी अफसोस है कि नई नई चुन के आई, उनसे उम्मीद है शहर को। मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी, तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे, कल कचरे वाले नहीं आए थे, तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। वहाँ पर मैंने दो बच्चों को देखा, कुछ भाप ले रहे थे, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मैंने उसको न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो दो बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने के, मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये तीन उंगलियों का एहसास स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो तीनों उंगलियों का एहसास करे पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी, रेंगते रेंगते मैं रोड पे आई हूँ, तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी तीन चार चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं रोज दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या एक घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था, मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी एक घंटे का, डेढ़ घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं एक घंटे के बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ, आज इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी, हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एसी युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। दो दिन पहले राज स्कूल के गेट के पास घटी घटना ने एक 7 वर्षीय बच्ची की जिंदगी लीला समाप्त कर दी। यह गेट एक विधान पार्षद के ऐच्छिक कोष से निर्मित था और इस गेट ने 1 दशक भी पूरा नहीं किया। बच्चे खेल रहे थे, गेट गिरा और उसकी मौत हो गई। खूब बवाल हुआ, आक्रोशित लोगों ने नारे लगाए, रोड जाम हुआ और अंततः एक दिन के बाद राजनीतिक पारी भी खूब हुई, समाज सेवा के लोग भी खूब जुटे। लेकिन अगर कहें तो सरकार की निर्धारित राशि 20,000 रुपये का चेक एक दिन के बाद सदर बीडीओ ने मृतक के परिजन को प्रदान किया। 3,000 रुपया जो तत्कालिक भले ही व्यवहारिक न हो, वहां की पार्षद सोनी पूर्वे ने कबीर अंत्येष्टि की जो राशि है वे तुरंत नगद प्रदान कर दी। और राजद नेता भोलू यादव ने सूत्र के में से मिली जानकारी के अनुसार 10,000 रुपये की सहायता दी और 1,00,000 रुपया वहां के शिक्षकों ने मिलकर इनको सहायता के रूप में प्रदान किया और कुछ और पैसे मिलने की बात है। लेकिन फिर तकनीकी बात सामने आ रही है कि जब वास्तविकता होगी तो मुकदमा होगा, जांच होगी, गेट के गुणवत्ता की जांच होगी, राशि की जांच होगी, अनियमितता की जांच होगी, जिसमें बहुत सारे पेंच फंसेंगे, पेंच खुलेंगे। ये बाद की बात। बहरहाल उस मासूम की जिंदगी समाप्त हुई। वहां निवर्तमान पार्षद सोनी पूर्वे के अलावा महापौर प्रत्याशी मीना झा भी आई, महापौर प्रत्याशी धर्मशीला गुप्ता भी आई, उप महापौर प्रत्याशी अर्चना झा के पति बालेंदु झा भी आए, उप महापौर प्रत्याशी अंकुर गुप्ता जो प्रत्याशी के पुत्र हैं वे भी आए, पूर्व पार्षद के पति विष्णु ठाकुर भी मौजूद रहे, संगीता पांडे के प्रतिनिधि भी, कई जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने जमकर सड़क जाम को समर्थन दिया। बात बिल्कुल वाजिब है, एक बच्चे की जिंदगी समाप्त हुई, क्योंकि खेलना कहीं से गुनाह नहीं, गलती थी तो गेट लगाने वाले की थी। भीड़ और जाम के बाद अब सांत्वना की बात, तत्काल मिल गई है उनको राशि 20,000 रुपये का, जो सरकारी एक ठप्पा होता है, 20,000 रुपया का पारिवारिक लाभ, 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि के लिए और 1,00,000 रुपये की नगद राशि मिलने की बात लोगों ने कही। विष्णु ठाकुर ने इसकी पुष्टि की कि नगद दे दिया गया है, 1,00,000 रुपया और देने की बात है। लेकिन मामला पेंच में कि जब बात है तो फिर तकनीकी बात, जांच की बात, किसकी गलती है इसे ढूंढने की बात या फिर छिपाने की बात। बहरहाल वक्त बताएगा, उस मासूम बच्ची, एक गरीब बच्ची की जिंदगी लीला समाप्त हो गई। इस भ्रष्टाचारी अनियमितता के इस दौर में विधान पार्षद ने गेट के लिए राशि दी थी, अंदर नशेड़ियों का जमावड़ा, जो कई ऐसा दृश्य बता रहा था कि जहां शराब की बोतलें और गंदगी पसरा, यह दिखा रहा था कि यहां नशेड़ियों का अड्डा है और भ्रष्टाचारियों ने उस गेट को इस तरह से लटका रखा था कि थोड़े से धक्के में गिर सकता था और गिरा भी, लेकिन गिरा ऐसे वक्त में जहां एक बच्चे की मौत हुई। गनीमत यह रही कि ये इस बच्चे की बलिदान मानी जाएगी, क्योंकि स्कूल के समय में अगर गिरता तो इससे भी बड़ी दुर्घटना होती और कई और बच्चे भी जच में आ सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस बच्ची का जिसकी जिंदगी लीला समाप्त हो गई, इस 7 साल की उस गरीब बच्ची की जो हसन चौक की रहने वाली है। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर, हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15% से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मास्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ओरलिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के
के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगीज, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ, और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइज में एक 15% जबकि 2 get 1 free जॉन प्लेयर, 1 pay 20%, 2 pay 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 pay 30%, 2 pay 40% जबकि 3 pay 50% तक की छूट। डब्लू ओरलिया 1 pay 20%, 2 get 1 free। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। और बात एक और दुखद घटना की। गुल्लोबारा के रहने वाले एक युवक को कुछ लोगों ने पीट पीट कर इस तरह मारा कि उसकी मौत हो गई और मामला काफी तनावपूर्ण हो गया। गुल्लोबारा के इस युवक की मौत कई आरोपों के तहत और एक विशेष स्थानीय लोगों ने उसे पीटा, जिसमें कई लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। प्राथमिकी के अनुसार मोहम्मद सोनी, लाल बाबू, असलम, बादशाह, वजीर, शकील, अब्बास, जमीला सभी रावण घाट जो बाजितपुर के हैं, इनके विरुद्ध थाना कांड संख्या 20-23 दर्ज किया गया है और 18 जनवरी की यह घटना है। वादी के पुत्र को, जो वादी है कैलाश महतो, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र को रुपया लेने देने के आरोप में घेर कर ये लोगों ने मारपीट की, मोबाइल छीना और वादी के साथ गाली गलौज कर भगाने अभियुक्तों को मारपीट के कारण गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भेजा गया, जहां अंततः उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जब उसका शव आया, उस समय का यह दृश्य दिखा रहे हैं, काफी आक्रोशित थे लोग, लेकिन स्थानीय लोगों ने समझा बुझा कर किसी तरह लोगों को शांत किया। लोग इतने आक्रोशित थे कि जो आरोपी हैं उसके विरुद्ध लगातार आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। पुलिस सक्रिय थी कि किसी तरह की दूसरी घटना न हो और अंततः उसकी सबकी अंत्येष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद बहरहाल तनाव कायम है। रावण घाट में जो अन्य अभियुक्त हैं वो कई उसमें संदिग्ध और पकड़े जाने के भय से घर छोड़कर फरार हैं और तनाव व्याप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जीन्स शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा व भी ब्रांडेड कंपनी के साथ, जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरी, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरिया सराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े, जैसे रेमंड, ब्लैकबेरी, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुक्ति, स्पेकल, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े। आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुँचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। और आए दिन बेतरतीब ढंग से चलती गाड़ियां और अतिक्रमण के बीच दुर्घटनाएं होती रहती है। कमर्शियल जो लहरिया सराय के वीआईपी रोड में एक 4-चक्का वाहन का संतुलन बिगड़ा और वाहन एक दुकान में जाके घुस गया, जहां काफी नुकसान हुआ। घटना की सूचना पाकर लहरिया सराय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। नुकसान आईना डिजिटल स्टूडियो नाम के दुकान में गाड़ी चली गई, जिसमें नुकसान हुआ। घटना के तुरंत बाद लोग गाड़ी को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गाड़ी के कवर को ढका, गाड़ी का भी सामान सामने का काफ़ी क्षति हुआ और ये उस समय तो पुलिस पहुंची। लेकिन दूसरी ओर खुद किस्मत नहीं रहे, लहरिया सराय जो लोहिया चौक है वहां पर सुबह एक वृद्ध व्यक्ति ट्रक की चपेट में आया, पैर पर चढ़ा, जहां उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया और इस संदर्भ में एक मुकदमा दायर किया गया है। वह एक शादी में आए हुए थे व्यक्ति, अपने रिश्तेदार के यहाँ गेहूमी के रहने वाले हैं, जहां इन्होंने
दम तोड़ दिया। तो आए दिन लगातार दुर्घटना, एक जगह खुशकिस्मती, एक जगह जिंदगी गई, एक जगह जिंदगी बची। अभी बराबर से पूछ लिया, हमको बराबर सूचना। आप यहाँ पे आए जांच कर रहे हैं, यहाँ पे जो घटना हुई है, क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ है? तो सुन रहे, देख रहे कि स्कॉर्पियो का कोई कहता है कि एक्सीलेटर दबा गया, एक दुकान तरफ चला गया, डिजिटल स्टूडियो टाइप का दुकान है, आईना डिजिटल स्टूडियो, उसमें घुस गया, लेकिन किसी का कोई क्षति नहीं है। और दुकान वाले का कहना है सब लोग हम लोग एक ही परिवार के हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई के रूप में आगे क्या कुछ करेंगे सर आप? ये लोग कोई विरोध नहीं कर रहे आपस में, सब एक ही परिवार के कहते हैं, तो यदि आवेदन मिलेगा तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर नशे के हालत में था सर, दुकानदार से भी तो पूछ ही रहे हैं। यहाँ पे लोगों से पूछताछ किया, क्या कुछ जानकारी मिली? लोग बता रहे हैं किसी का कोई क्षति नहीं, सब लोग आपसे में है, एक ही परिवार के सब लोग हैं, रिलेशन में, पेशेंट को दिखाने आते हैं, इसलिए हमको कोई कंप्लेन नहीं करना। दुकान में जो गाड़ी जहाँ गया वहाँ कुछ नुकसान हुआ है? वो अभी दवा नहीं बता रहे, दुकान वाले से पूछताछ किया, दुकान वाले कहते हैं कोई क्षति नहीं है, हम लोग सब आपस में जो है सो एक ही घर के हैं, एक ही रिलेशन के आते हैं, इसलिए वो यदि आवेदन देंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे, बिना आवेदन का क्या करेंगे। कौन सा थाना से है सर? नहरिया से थाना से। क्या नाम हुआ सर आपका? जैसा कमलेश सर। हो गया सर, क्या? और छोटी ही चोरी से ही एक दुकानदार ने अपने दुकान में चोरी करते रंगे हाथ एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे फिर पकड़ करके लाया। दुकानदार की नज़र उस पर पड़ी, रंगे हाथों पकड़ लिया गया, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, उसकी कुछ पिटाई भी हुई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। नाम पता नहीं बता रहा था लेकिन उसने अपनी गलती अंततः स्वीकार रही की। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हम बाहर खड़ा खेल देख रहे थे कि यह साथी चोर की तरह मेरे दुकान के अंदर घुसा, गला खोलकर उसमें से रखे सारे रुपया निकाल रहा था, तभी दौड़े आए और इसको रुपए के साथ हमने पकड़ लिया। गली के अंदर घुसा, गली के दुकान में सो के घुसा है, गल्ला खोला, पूरा पैसा निकाल लिया उसको। आपने नहीं यार, आप हमारी गलती भोग भोग लागल आप जब आए तो अंदर था, इसके हाथ में पैसा पकड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हम देख रहे थे सब खेल इसका अंदर से बाहर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद आलम है, ऐसे मोबाइल मेरे दुकान का नाम है। घर कहाँ हुआ? जी घर कहाँ हुआ? नहीं घर, घर मोहल्ला दुमदुमा है। आप मवाजी क्या जगह? नहीं अब कहिए, ये एरिया सरा अंसारी मार्केट है। नहीं यार, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और समाहरणालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय मंगलवार को अपर समाहर्ता राजेश झा राजा मौजूद रहे, उद्घाटन किया और गुरुवार को डीडीसी अमृता बैंस आई, उन्होंने भी सत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मौके पर कई गणमान्य लोग लगातार मौजूद रहे। क्या कहेंगे इस संदर्भ में मैं? जी हाँ, आज उर्दू निदेशालय द्वारा जिला में आयोजित एक मुशायरा सा वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और पूरे दिन का कार्यक्रम है, अच्छा अरेंजमेंट है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ अपना उत्साह दिखाने की ये हमको दिखाई है। तो सभी लोग को यही शुभकामनाएं हैं कि उर्दू भाषा के विकास के लिए इसके उर्दू से जुड़े जो स्कॉलर हैं, जो कुछ टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी विकास हो, उनका नाम रोशन हो और उनके परिवार का भी नाम रोशन हो, ये सब शुभकामनाएं देते हुए हम लोग। मैम, ये विद्यालय में देखा जाए कि छः माही और सालाना एग्ज़ाम होता है, उसमें उर्दू का कुछ पर्चा नहीं पहुँच पाता है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें। ये तो नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में तो पर्चा तो पहुँचेगा ही, निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर को डिलीवर करना स्कूल्स में ज़रूरी है। ऐसा वाला कोई अगर कहीं किसी स्कूल का विशेष कोई अगर था इशू तो वो हम लोग देख लेंगे, मेरे को इसकी जानकारी अभी नहीं थी तो आप बता देंगे तो हम लोग पूछ लेते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए निश्चित रूप से, ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम पेपर टाइम से पहुँचना चाहिए, तो बताइएगा और इस बार हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ये हम लोगों ने पहला दिन वाद विवाद प्रतियोगिता, इसका हम लोगों ने यहाँ पर इनेकाद किया, उर्दू मुबाहिसा मुसाब का। इसमें हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन के बच्चों, इंटरमीडिएट के बच्चों और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को हमने बुलाया और उनका अलग अलग सेशन में ये मुसाबका हुआ। इसका मकसद ये है कि बच्चों में पहला तो उर्दू ज़बान को लेकर के लिए उनकी रगबत, उनकी मोहब्बत बढ़े और उनका जो है
उर्दू से जो है कि उनके जानकारी नॉलेज भी बढ़े। दूसरा इसका जो अहम मकसद है वो ये कि ऐसे स्टेजेस फराहम करके हम उर्दू स्पीकिंग बच्चों को एक मौका देते हैं कि उनकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। और आज का जो प्रोग्राम है ये मोस्टली स्कॉलर्स के लिए है और इसमें जो उर्दू के शोरा हैं, उर्दू के अदीब हैं, उर्दू के मुफक्किर हैं और सहाफ़ी हजरात जो उर्दू से रगबत रखते हैं और आम रियाया जो उर्दू से रगबत रखती है, उन सबको आज बुलाया गया है। इसमें आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि उर्दू की नशर इशात ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को जो है याद दहानी भी एक तरह से हो वो किस तरह उर्दू से जुड़े हैं और इसको उर्दू की जो है दर्द लोग दिल से दिल में लेकर यहाँ से जाए, यही हमारी कोशिश है। शुक्रिया, धन्यवाद।